नमस्ते दोस्तों, टारगेट गवर्नमेंट जॉब ये अपने यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 7 अप्रैल 2020। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करने की। महत्वपूर्ण जानकारी, इसका उद्देश्य खेल के माध्यम से विकसित और शांति को बढ़ावा देना है और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये नीचे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस है, पढ़ लीजिएगा। किस बैंक को सरकार ने पीएम केयर्स फंड में दान देने गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया गया है? सही उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक। महत्वपूर्ण जानकारी, पीएम केयर्स फंड वह फंड है जो व्यक्ति कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए और देश को इस महामारी से लड़ने के लिए जो धनराशि देते हैं उसे पीएम केयर्स फंड नाम दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है और अब कोई भी व्यक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के जरिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान की राशि जमा कर सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक स्थापना 10 फरवरी 1937, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु, MD एंड CEO श्री करनाम शेखर, स्थापक चिदंबरम चेतेत्योर, टैगलाइन गुड पीपल टू ग्रोथ विथ ई। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री, उनको पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकार संस्था पेटा संस्था पेटा इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान राज्य में सामुदायिक पशुओं को खिलाने और उनका ध्यान रखने के लिए धन आवंटित किया, उसके लिए ये पुरस्कार देके उनको सम्मान किया है। पेटा मीन्स पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ओडिशा राज्य के बारे में जानकारी, ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से है, गवर्नर गणेश जी लाल। ओडिशा के 5 न्यायालय के मुख्याधीश कल्पेश झावेरी। ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खाड़े पानों की झील है और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबा बंदी बांध हीराकुंड बांध है, यह ओडिशा की महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, वेलर द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है।
ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? सही उत्तर है मालदीव। महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को 6.2 के दवाओं की आपूर्ति की है। इन दवाओं में लेपिनवीर, रिटिनवीर और इन्फ्लुएंजा के टीके शामिल है। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी माले, करेंसी मालदीव रुफिया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू किया है? सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस के जारी ग्राहकों के घरों तक पहुंचाए गए जाएंगे और यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों के लिए उपलब्ध है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन, अध्यक्ष रजनीश कुमार। किस भारतीय एनजीओ ने प्रतिष्ठित स्केल अवार्ड जीता है? सही उत्तर है अरमान। भारतीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ अरमान ने सामाजिक उद्यमिता के लिए $1.5 million का स्कूल अवार्ड जीता है। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस कंपनी को MD एंड CEO का इस्तीफा दिया है? सही उत्तर है पेटीएम मनी। पेटीएम स्थापना 2010, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश, CEO रेणु सती, स्थापक विजय शेखर शर्मा। केंद्र सरकार ने कहा डोमिसाइल आदिवासी लागू किया है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 15 साल से अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो उसे वहाँ का नागरिक माना जाएगा, और नागरिक कोई छात्र 7 साल से जम्मू कश्मीर में रहता है और उसे कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा अगर वहाँ से की है तो उसे भी वहाँ का नागरिक माना जाएगा। डोमेसाइल क्या है? डोमेसाइल सर्टिफिकेट एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डोमेसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत राज्यों की सरकारी नौकरी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए पड़ती है, और डोमेसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट से प्रूव हो जाता है कि आप इस राज्य के केंद्र शासित राज्यों के नागरिक है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदल दिए गए हैं। हाल ही में किसने एक पूर्ण शरीर कीटाणुशोधक कक्ष डिजाइन किया है? सही उत्तर है DRDO। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया, यह कंपनी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। लोकोमोटिव का मतलब रेल इंजन होता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स 2019-20 में 431 इंजन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है, गवर्नर जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्याधीश TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य है आसाम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश है बंगाल, नेपाल, भूटान। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा
जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। करकरेटा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और वो करकरेटा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। यह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में इसने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन लॉन्च किया था। सही उत्तर है संजय धोत्रे। मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 के महामारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन लॉन्च किया था। दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? सही उत्तर है सी डॉट। दूरसंचार विभाग और सी डॉट ने मिलकर एक ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है, अगर कोरोना वायरस पीड़ित को क्वारंटाइन में रखा गया है और वह अगर उससे बाहर जाता है तो डॉक्टर को फोन में SMS या ईमेल खुद आ जाएगा। क्वारंटाइन का मतलब है किसी खास क्षेत्र के बाहर से आए किसी भी जीवित व्यक्ति या पशु को अलग इलाके में रखना, ताकि उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वायरस है तो उन्हें फैलने से रोका जा सके और उनके लक्षणों पर नज़र रखी जा सके और संदिग्ध व्यक्ति का इलाज किया जा सके। सीडॉट सेंटर और डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स स्थापना अगस्त 1984, मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष विपिन त्यागी। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें के बताएं।